आप सब लोग बुक्स लेके आएंगे? Yes, अभी हम सोशल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एनटीएससी, लेकिन वो आपको टेंथ में भी काम आएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वही करना, उसके अलावा कुछ मत करना, उसी में से आएगा। ठीक, जब आपके एग्जामिनेशन टाइम आ जाएगा उस समय मैं आपको 12-15 क्वेश्चन दे दूंगा एक चैप्टर के, उसी में से पेपर आएगा। अब तो खुश है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक नहीं आना, जब एग्जाम टाइम आएगा तो वही लेक्चर अटेंड कर लेना है ना, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, लेट वी स्टार्ट विथ, आज हम जो पहला लेक्चर पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। पेज नंबर क्या है वो आपको पता ही है, पेज नंबर 53 इन एनसीईआरटी बुक। प्लीज ओपन कर लिया आप लोगों ने? जहां पर मैं निशान लगाऊंगा पढ़ाते समय वहां पर आपको निशान लगाना है। एनटीएससी इतने सालों से पढ़ा के अब मुझे तकरीबन ये पूरा समझ में आ गया है कि वो क्या पूछेंगे, कहां से पूछेंगे, क्या पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने वहां निशान लगाना है, लेकिन वो याद नहीं करना। याद क्या करना, ये भी मैं आपको जो याद कराऊंगा वही करना। जहां निशान लगे हैं वहां आंसर है, लेकिन वो आंसर नहीं है। एनसीईआरटी सपोज टू राइट अ बुक, यू आर सपोज टू राइट एन आंसर। देर इज अज जाइगेंटिक डिफरेंस बिटवीन राइटिंग अ बुक एंड राइटिंग एन आंसर। दिस इज फॉर क्लास 10th। When it comes to NTSE, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते उस दौरान बताते रहूंगा कि NTSE ने पिछले सालों में इसमें से क्या पूछा है और इस साल क्या पूछ सकता है और आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। इज इट डन? ठीक है, द चैप्टर इज वॉट वी कॉल इज नेशनलिज्म इन इंडिया। मुझे आपकी जो एनसीईआरटी की बुक की जरूरत पड़ रही है वो सिर्फ आपको पेज और लाइन बताने के लिए, क्योंकि मुझे लाइन नंबर पेज नंबर आपको डिक्टेट कराना पड़ेगा ताकि आप निशान लगा लें। सो लेट अस स्टार्ट विथ Nationalism in India, first page of the chapter, paragraph number 2, line number 3. आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि people began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. ये जो आपका chapter Nationalism in India, ये basically I guess you understand it is the story of freedom struggle of India. ये आप जानते हैं। और इन 3-4 लाइनों में आपको जो एनसीईआरटी अपने चैप्टर का टेक ऑफ करा रहा है फ्लाइट का, वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट देयर वाज ओनली वन थिंग कॉमन अमंग द पीपल ऑफ पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड द ओनली थिंग दैट वाज बाइंडिंग ऑल दीज पीपल टुगेदर वाज दैट ऑल बीन ऑप्रेस्ड बाय अ सिंगल ऑप्रेसर। वो ये कह रहे हैं कि ओनली वन थिंग इज कॉमन। पंजाब का कोई व्यक्ति किसी दिन अगर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के किसी व्यक्ति से मिल जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या था? तो एनसीईआरटी आपको यह कह रही है कि दे बिन ऑप्रेस्ड बाय अ सिंगल ऑप्रेसर। तुझमें और मुझमें क्या कॉमन है? तो हम दोनों को एक ही ने थप्पड़ मारा है और उसका नाम है ब्रिटिश। हमारा जो रियल चैप्टर स्टार्ट होता है, जहां से आपको और मुझे पढ़ना शुरू करना है, और हमारे एनटीएससी और क्लास 10th के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 सेकेंड पैराग्राफ, उसके साइड में आप क्वेश्चन लिखिए कहीं पे भी जहां पे आपकी इच्छा हो। ये इधर जो पैराग्राफ दिया हुआ है न्यू वर्ड्स, उसके ऊपर स्टेट द इंप्लिकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, स्टेट द वेरियस इंप्लिकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल रादर, स्टेट द इंप्लिकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा रहा हूं, उस क्वेश्चन के पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं चीज क्या चल रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, और वर्ल्ड वॉर जब व्हेन द वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट यू नो दैट इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिश लोगों का हम पर कब्जा था। और जब वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ, इट वाज आई गेस यू नो इट वाज बिटवीन टू पावर्स, व्हाट वी कॉल एज एक्सिस पावर्स एंड अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स में आप जानते हो यूएस, यूके, ये सब लोग थे, और इधर जर्मनी, जापान, टर्की, ये थे कौन? एक्सिस पावर्स। तो इन दोनों लोगों में जब लड़ाई शुरू हुई तो ब्रिटेन चूंकि अलाइड पावर्स का हिस्सा था, तो जब भी आप वॉर लड़ते हो तो उस वॉर में आपका नुकसान होता है। उस वॉर में नुकसान 3 फ्रंट्स पे ब्रिटेन को होना शुरू हुआ। पहला फ्रंट आई गेस यू अंडरस्टैंड इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक का नुकसान उसका है ना, फाइनेंशियल लॉस शुरू हुआ बिकॉज यू स्पेंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी एवरी डे इन द वॉर। दूसरा जो लॉस हुआ वो सोल्जर्स का लॉस हुआ, क्योंकि हर रोज you know there are so many thousands of casualties in the world war every day from both the side of the army. aap dono tarah se dekhoge to zabardast army ka nuksan aapko har din sehna pad raha tha britain ko. aur jo teesra nuksan hua, pehla aapko maine bataya finance ka hua, dusra maine aapko bataya
सोल्जर्स का हुआ, आया ना। इन दोनों नुकसानों को ब्रिटेन ने पूरा करने के लिए इट टर्न्ड इट्स फेस टुवर्ड्स इंडिया, उसने भारत की तरफ अपना रुख पलटा। क्यों पलटा? क्योंकि फाइनेंस का नुकसान, अब आप, मैं आपको पहले आंसर लगा देता हूं, आप एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 54 सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, जहां कह रहा हूं वहां निशान लगाइएगा, जैसा कह रहा हूं बस लगाइए, आंसर आप मेरे साथ याद करेंगे। पहली लाइन देखिए, लिखा हुआ है द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दिखा आपको पॉलिटिकल सिचुएशन, दिखा, उसके आगे लिख दीजिएगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैं आपको साथ में टेंथ की भी तैयारी करा रहा हूं, ये आपके सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सारे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, वहां पे लिखिएगा वन द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दूसरा देखिए नीचे लिखा हुआ, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, दिखा आपको, वहां पे लिखिए टू, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, लिखा इंक्रीजिंग टैक्सेस तक। कस्टम ड्यूटीज से लिखिए थ्री, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, लिख लिया आपने, लिख लिया फटाफट। एक लाइन छोड़ के देखिए, लिखा हुआ है विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, दिखा, एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू ब्रिटिश आर्मी कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, वहां तक आपका पॉइंट नंबर फोर लगा लिया। एक लाइन छोड़ के देखिए, क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, बस वहीं तक, क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिखा आपको। उसके आगे देखिए अगला, जो जो नंबर मुझे याद नहीं है, दिस वॉज एकम्पेनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, लगाया निशान। दोस्तों अब आप मेरी तरफ देखिए, बुक में देखना ऐसे कभी जिंदगी में आंसर याद नहीं होता, बुक में देखते हैं ना आप तो आपको ट्रिगर मिलता है। आप क्या करते हैं जब भी कोई आंसर याद करते हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है क्वेश्चन का, आपकी एग्जाम आ रही है, कोई आप आंसर याद करने की कोशिश कर रहे, फिर आप धीरे से ऐसा करते हैं, हाँ याद आ गया, आपको एग्जाम में ये ट्रिगर मिलेगा क्या? नहीं। सो बेटर यू रिलाय ऑन योर कॉमन सेंस। सोशल साइंस में और दूसरे सब्जेक्ट्स में, मैं सारे स्टूडेंट्स को जो भारत के सुन रहे होंगे उनको यही चीज कहना चाहता हूं, सोशल साइंस और फिजिक्स में यही तो अंतर है, सोशल साइंस और मैथ्स में यही तो अंतर है। फिजिक्स में आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आ रहे हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आया ना, जिसको हमने एब्रीवेट करके लिखा एफ इक्वल्स एम ए, लिखा था ना। अब वहां से हमने ए हटा दिया सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट, तो वो हो गया फोर्स इक्वल टू एम, फोर्स इक्वल टू मास, इट डजंट मेक्स एनी सेंस। कैन एवर अ बनाना इक्वल्स एन एप्पल? सो फोर्स इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, मास इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, वो दोनों बराबर हो गए अगर सिर्फ आपने एक अल्फाबेट हटा दिया तो, आया ना। सोशल साइंस में यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड एंड देन रिलाय ऑन योर कॉमन सेंस, जस्ट प्रैक्टिस विथ मी और आपको आंसर यही याद हो जाएगा, ठीक है। मैं इतने सालों से स्टूडेंट्स को यही प्रेस करता हूं कि क्लासरूम ऑडिटोरियम्स न बन जाए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम यहीं पे आंसर याद करेंगे। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो चुका है और हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ वर्ल्ड वॉर इंस्टिगेटेड द एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स अमंग द इंडियंस। एक तरीके से बात यही चल रही है, वर्ल्ड वॉर ने अजीबो गरीब तरीके से, इंडिया वॉज नेवर बीन अ पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर, भारत तो खुद ही बेचारा गुलाम देश था उस समय, हम कहां वर्ल्ड वॉर लड़ते, लेकिन वर्ल्ड वॉर ने आश्चर्यजनक रूप से ब्रिटिश के खिलाफ भारतीयों के अंदर एंटी ब्रिटिश फीलिंग और भड़का दी। क्यों, कैसे भड़काई, ये क्वेश्चन है। अब हम उसका आंसर नंबर वन क्या लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर वन आपने लिखा है जो आप बुक में नहीं देखोगे, आप बुक में नहीं देखना, वर्ल्ड वॉर जैसे एज द वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इट लेड टू, यू नो, आप सबसे पहली लाइन लिखोगे दोस्तों उसका पहला पॉइंट, द वॉर हैड क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में हर वॉर क्रिएट्स अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन एंड देयरफॉर इट्स नॉट अ टफ डील टू रिमेंबर। वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दूसरा लिखोगे ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर। अपने कॉमन सेंस से पूछो, जो हमने बात पहले की, क्या हम वही बात वापस से नहीं कर रहे हैं क्या? ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर विच इट हैड फाइनेंस फ्रॉम वॉर लोन्स, जो उसने वॉर लोन लेके फाइनेंस किया। जैसे आज आप कार के लिए, घर के लिए लोन लेते हो, लड़ाई लड़ने के लिए भी लोन मिलते, हाँ है ना। फिर हम दोहराएंगे साहब, मैं खुद आपके लिए पूरा दोहराऊंगा पूरा चैप्टर, आप चिंता मत करो, लेकिन आप कोशिश ये करो कि आप मेरे साथ दोहराने की कोशिश करेंगे तो आपको यही याद होगा। हमारा पहला पॉइंट है, मैं आपको फिल अप द ब्लैंक्स जैसा देते जाऊंगा, आप मेरे साथ में, यू नो, ट्राई टू स्पीक इट आउट। द वॉर हैड क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर विच इट हैड फाइनेंस्ड फ्रॉम वॉर लोन्स। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब पैसे का नुकसान रोज हो रहा है,
तो तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे कि कैसे ब्रिटेन कंपेंसेटेड द लॉस फ्रॉम इंडिया. तो आप तीसरे पॉइंट में लिखोगे यू नो ब्रिटेन इंट्रोड्यूस यू नो कस्टम टैक्स वर रेज्ड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड. आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो कस्टम टैक्स जो पहले से लगा हुआ था ब्रिटेन इंक्रीज्ड द कस्टम टैक्स ऑन इंडिया. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि भारतीयों ने एक नया टैक्स का नाम सुना और वो था इनकम टैक्स. तो अगर हमसे एनटीएसई ने पूछा कि सबसे पहले इनकम टैक्स भारत में कब लगा, वो बोलेगा पहला आंसर ड्यूरिंग 1983 वर्ल्ड कप. वॉज इट कब लगा? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये आपको चार ऑप्शन में एक पता होना चाहिए. तो आपका आप कॉमन सेंस प्रिवेल्स. आप अपना आंसर, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज क्योंकि वो पहले से लगी हुई थी लेकिन बढ़ा दी गई. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, पहली बार एक नया टैक्स निकाला गया क्योंकि और कमाई चाहिए थी ब्रिटेन को. हाँ या ना? ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर. द वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आया ना? ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर विच इट फाइनेंस फ्रॉम वॉर लोन्स. कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड. आया ना? फिर जो सोल्जर फ्रंट पे लॉस हो रहा था, कॉमन सेंस पे उस पे उतर आओ. क्या? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन विलेजर्स इनटू ब्रिटिश आर्मी कॉज्ड अ वाइड स्प्रेड एंगर. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती भारतीयों को पकड़ पकड़ के, कोई गांव का लड़का दही लेने जा रहा है, उसकी मम्मी ने उसको भेजा 2 रुपए देके कि जा दही लेके आ, है ना. इतनी देर में ब्रिटिश लोगों की गाड़ी आके रुकी, इधर आ. हाँ भैया, तिलक लगाया उसको, गाड़ी बिठाया, चल कहाँ, आज से तू वर्ल्ड वॉर सोल्जर है. अरे हाँ या ना? तो उसकी माँ बाप, भारतीय फिल्में अगर आपने देखी होगी तो आप कल्पना करो भारत की क्या स्थिति उस समय होती होगी जब बच्चों को पकड़ पकड़ के गांव में सोल्जर बनाया जा रहा था. अब वो माँ पीछे दौड़ रही है जीप के, जीप चले जा रही है जिसमें उसका बच्चा बैठा हुआ है, माँ है ना, वो आप यू कैन इमेजिन ना, भारतीय भारतीय फिल्में जिसमें है ना, यू नो मदर इन इंडिया कैन चेज एनी ऑफ द व्हीकल इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो बेटा बेटा कह के, अब वो माँ की पीड़ा कोई समझे तो सही. उसको ये नहीं कि बच्चे को ले जाना, ले जाओ, वो 2 रुपए तो देके जाओ, तो दही के लेके गया था. Forced recruitment into British army caused a widespread anger among the Indians. और किसका forced recruitment करते थे? Of Indian villagers into British army. हाँ या ना? British forced recruitment Indian villagers का ही क्यों करते थे? आपको समझ है इतनी? जब सिटी में आपके इंदौर में अगर लाइट चली जाए अभी 8 घंटे के लिए, तो अगले दिन की हेडलाइन यही हो जाएगी. हाँ या ना? लेकिन गांव में जिस दिन 8 घंटे लाइट आ जाए उस दिन हेडलाइन होती है. कम ऑन. इसीलिए वो जानबूझ के उस जगह पे चोट करते थे ब्रिटिश जहां पे ज्यादा आवाज ना निकले. आवाज किनकी ज्यादा होती है? सिटी पीपल. फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन विलेजर्स इनटू ब्रिटिश आर्मी कॉज्ड अ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द इंडियंस. और जब दोस्तों सब कुछ गलत हो रहा था, जब इकोनॉमिक फ्रंट पे भी समस्या थी, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं दोस्तों, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द Britain was under huge war expenditure, which it had financed from war loans. हाँ या ना? Custom duties were raised, income tax introduced. और फिर soldier front पे क्या बोला अपन ने? Forced recruitment of Indian villagers into British army caused a widespread anger among the Indians. और जब दोस्तों सब कुछ गलत होना शुरू होता है ना, तब पता नहीं क्यों भगवान की तरफ से भी थोड़ा बहुत झटका मिल ही जाता है. और इसलिए हमने आगे लिखा, आप आगे लिखिएगा, एंटर की मार मार के लिखना है सारे पॉइंट्स. समझते हो ना? एंटर की मार मार के मतलब लाइन चेंज कर करके 1 2 3 4 अगला लिखना. एट द सेम टाइम क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. उसी समय भारत में कई जगह क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. आप जानते हो ग्रेट बंगाल आया ना? क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. और उसके आगे लिखना, एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ब्रोक आउट. इतना अगर कम था तो इसके साथ साथ और क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फेल गया. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम ऑफ इंडिया. कैन यू इमेजिन, यू नो, बीटिंग्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर. हाँ या ना? वो ब्रिटिश लोग अपने पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हम पहले ही गरीब, हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ के सोल्जर बना के ले गए जाने कहां, ऊपर से बचा खुचा इस बार फसल भी तबाह हो गई और बचा खुचा सबको बीमारी फैल गई, महामारी. हाँ या ना? प्लीज दोस्तों, बुक में नहीं देखना. बुक में देखने से आज तक किसी के अच्छे नंबर नहीं आए. जो बुक में देखेगा ना, उसको मैं श्राप दे दूंगा. ठीक है, प्लीज बुक में मत देखो. और इस चीज पे मुस्कुराओ साहब कि मुझे बिना बुक में देखे हुए आंसर याद है.
What were the various implications of First World War on India? या तो वो ऐसे पूछेगा या वो पूछेगा कि how the First World War instigated the anti-British sentiments among the Indians. आपको पहला लिखना है, as the World War broke out, Britain was under huge war expenditure. या फिर आपने जैसा पहला लिखा क्या, the war created a huge economic and political situation all around the world. Britain was under huge war expenditure which it had financed from war loans. Custom duties raised. Income tax introduced. मैं जब इसको बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, इसको जब आप टेंथ में लिख के आओगे तो लंबा लंबा लिख के आना. ट्रिक्स ऑफ द गेम. पहली लाइन टेंथ क्लास में हमेशा कैसे लिखते हैं अपन, उसने पूछा कि हाउ द इट रेज्ड यू नो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स अमंग द इंडियंस, तो अपनी पहली लाइन भी बिल्कुल उसके जैसी, उसी के क्वेश्चन का 80% पार्ट. टेंथ का सिद्धांत है, कोई भी क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछा तो उसी के क्वेश्चन का 80% लेके बना देना चाहिए. समझ गए ना आप बात को, इतना तो आप तो समझदार लोगों, बड़े स्मार्ट हो इस मामले में. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड क्रिएटेड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी विच रिजल्टेड विच इनफैक्ट कल्मिनेटेड इनटू अ ग्रेट एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द इंडियंस. कुछ भी नया नहीं इसमें. फिर आगे से बताना शुरू करो, इनफैक्ट द वॉर हैड क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. Britain was under huge war expenditure which it had financed from war loans. Aaya na, custom duties were raised, income tax introduced, forced recruitment of Indian villagers into British army caused widespread anger. Aaya na, same time crops failed in many parts of India, at the same time influenza epidemic broke out. Aur yahi pe laga ke full stop mat kar dena, aakhri mein phir se ek generalized point dena. All these factors put together. Baki samajh gaye na? Samajh gaye? All these factors put together were responsible to instigate the anti-British feeling among the Indians. ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है? जब ये सब चल रहा था दोस्तों, महात्मा गांधी भारत आए. आप पेज नंबर 55 सबसे ऊपर लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह. व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह में आप क्वेश्चन कम टाइम दीजिएगा, मैं आपको टेंथ की भी तैयारी कराऊंगा एनटीएसी के साथ में, इसीलिए व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह क्वेश्चन मार्क. और उसी के आगे लिखिए, Why Gandhiji insisted? Why Gandhiji insist? नहीं, why इसको ऐसा करिए, Why Gandhiji denied? Why Gandhiji denied it? Why Gandhiji denied it to be a passive source of resistance? Why Gandhiji denied it to be a passive source of resistance? Passive source of resistance, passive form of resistance, passive way of resistance, जो इच्छा हो लिख लो. दोस्तों गांधी जी अपने साथ एक नया विचार लेके आए, आप जानते हैं, और वो विचार था सत्याग्रह का, है ना? अब आप पहले निशान लगाएंगे हमेशा जैसा, लेकिन बुक में से याद नहीं करेंगे. जहां निशान लगे हैं वहां आंसर है, वो आंसर नहीं है. क्यों नहीं है? एनसीईआरटी इज सपोज टू राइट अ बुक, वी आर सपोज टू राइट एन आंसर. ठीक, निशान लगाते चले जाओ, डरना नहीं है साहब, याद तो मैं ही आपको कराऊंगा, जो मैं कहूंगा वैसे याद करना हर क्वेश्चन. पेज नंबर 55 लाइन नंबर 2, The idea of सत्याग्रह emphasized. दिखा आपको, वहां लिखिए 1, वहां से आ जाइए आप oppressor तक, मतलब उसको आप बीच में 1-2 कर लीजिएगा जैसे आपकी इच्छा हो, फुल स्टॉप के बाद में. देखिए फिफ्थ लाइन में oppressor लिखा हुआ, fight the oppressor, दिखा, वहां तक लगाइए. फिर उसके बाद में जस्ट नीचे आइए, देखिए लिखा हुआ, a सत्याग्रही could win the battle through non-violence. फिर उसके बाद में और निशान लगाइए, this could be done by appealing to the conscience of oppressor, accept truth तक, instead of being forced to accept the truth तक लगा लीजिए. आप चिंता मत करिए, याद तो आपको मैं ही कराऊंगा. लगा लिया निशान? अगर निशान लगा लिया हो तो बुक में पेन डालो और बुक बंद कर दो, बंद करो. देखिए दोस्तों, सत्याग्रह इज इनफैक्ट, उसको अगर हम थोड़ा सा तोड़े तो सत्य के प्रति आग्रह. अब हमारे इसमें समस्या क्या है, हमें लगता है सत्य का मतलब ट्रुथ. नो, इट इज नॉट. सत्य का मतलब ट्रुथ नहीं होता है. मैं आपको समझाता हूं पहले सत्य का मतलब क्या होता है. देखिए किसी देर, अभी मान लीजिए पूरा अंधेरा हो जाए, बिल्कुल घुप अंधेरा जिसमें किसी को कुछ न दिखता हो, और उस अंधेरे में मेरा पैर अगर किसी रस्सी पे आ गया और मैं चिल्लाने लगा सांप 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 ऐसा करते हुए, और एकाएक लाइट आ गई वापस, तो मैंने देखा वो रस्सी थी, सांप नहीं था. अब मुझे सोच के बताओ, क्या जिस समय मैं सांप 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 चिल्ला रहा था उस समय क्या मैं झूठ बोल रहा था, बोला जाएगा क्या? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं illusion and disillusion. है ना? सत्य का मतलब सच नहीं होता, सत्य का मतलब disillusionment होता है. अभी आप ध्यान से देखिएगा साहब, आपकी पहली लाइन आपने जो लिखी है आप उसको मत देखो बुक में, मैं आपको बता देता हूं.
पहली लाइन आपने आंसर में लिखी है, सत्याग्रह इम्फेसाइज अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। दो चीजों पे सत्याग्रह स्ट्रेस देता है, दो चीजों, सत्याग्रह इम्फेसाइज अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ, सो यू अंडरस्टैंड पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य की ताकत, एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। अब ये नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ क्या है, नीड, इसकी क्या नीड है सर्च ऑफ ट्रूथ की, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों ऐसा क्यों लिखा हुआ है। आपको ये जो लाइन है ये आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है टेंथ या एनसीईआरटी के एनटीएससी के हिसाब से, लेकिन मेरा ये मेरे को ड्यूटी है और मैं हर साल आज इतने 12 साल हो गए ये पढ़ा पढ़ा के तो मेरे को मजा आता है वो बताने में। नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ इसीलिए लिखा गया है बिकॉज द डे यू टुक बर्थ, द मोमेंट यू टुक बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, इट इज कंसिडर्ड टू बी यूर एसेंशियल सोलेम ड्यूटी टू बी टू स्ट्राइव फॉर ट्रूथ। आपका ये एक ही कारण जन्म का माना गया है कि आप सत्य क्या है ये पता करो। अब आप बोलोगे सत्य क्या है, मतलब सत्य मतलब ये है कि अपने वेदांत में लिखा गया है कि एक ही चीज के ऊपर हजारों लाखों साल से भारत रिसर्च कर रहा है, सत्य। अब आप बोलोगे मतलब क्या सर ये बताओ ना, मतलब ये एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि तुम कौन हो, बस इसका आंसर सच है, सत्य का मतलब इसका आंसर, तुम कौन हो, मैं विपिन जोशी, उसमें क्या नहीं, वेदांत कहता है वो तो तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो, मैं डायरेक्टर कैटलाइजर, हाँ वो तुम्हारा डिजिग्नेशन बिजनेस प्रोफाइल वोफाइल है, तुम कौन हो। तो आप ध्यान देंगे कि जब आप अपने खुद से भी किसी दिन अकेले में बैठेंगे और ये क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे तो क्रॉस लगते चले जाएंगे, अरे हाँ मैं तो ये भी नहीं हूं, अब बॉय, हाँ वो तुम्हारा जेंडर है, तुम कौन हो। आप समझ पा रहे हैं क्या, क्रॉस, अरे हाँ मैं तो ये भी नहीं हूं, मैं तो ये भी नहीं हूं, वेदांत कहता है। और जब इस चीज को फील करो तो अपने गूज बम्स हो जाने दो कि ये सिर्फ भारत नहीं ये चीज बोली साहब हजारों लाखों साल से, क्रॉस लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, मैं तो ये भी नहीं हूं, अरे हाँ मैं तो ये भी नहीं हूं, जो आखिरी में बचेगा वो तुम हो। जब क्रॉसेस खत्म हो जाएंगे तब मतलब मजा देखो दोस्तों, हमारे वेदांत ने ये नहीं बताया आखिरी तक कि तुम कौन हो, वो ये कहते हैं तुम सिर्फ, हम सिर्फ ये बता सकते हैं तुम ये नहीं हो, तुम कौन हो। जिस दिन जान गए उस दिन तुम्हें और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जो जान जाता है वो शंकराचार्य जैसा, आद्य शंकराचार्य ने कहा था ना, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नहीं व मे नहीं व माता न जन्म, यही आपके ओंकारेश्वर के तट पे कहा था हजारों साल पहले, पिता नहीं व मे नहीं, मेरा कोई पिता नहीं है, माता नहीं है, कोई मेरी बंधु नहीं है, मेरा कोई जाति नहीं है, फिर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं ये जान चुका हूं कि मैं ही वो हूं। इसी को वेदांत ने कहा साहब कि ते नत्वमसि, तुम उससे ही हो, तस्यत्वमसि, तुम उसके ही हो, और आखिरी में जाके उन्होंने कह दिया तत्वमसि, ये सिर्फ हमारा धर्म है, तुम वही हो, बस वो तुम ही हो। अब वो ज्यादा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन वो एक शब्द के लिए मेरे को आपको पूरा समझाना पड़ा। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द सोलेम ड्यूटी ऑफ द पीपल टू स्ट्राइव फॉर दिस ट्रुथ। व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है, मोची की नजर जूतों पे होना चाहिए साहब, नाई किसी की शादी में भी जाता है, बार बार अगर किसी की शादी में भी जाता है ना तो वो खड़े खड़े से देख के लोगों को यही सोचता रहता है इसके बाल थोड़े इधर से और कटने थे। वैसे हम स्टूडेंट्स हैं ना तो हमारी नजर तो हमारे एनटीएससी के गोल के ऊपर है, हमारे टेंथ बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर है, इस साल परसेंटेज बेस्ड एग्जाम है, हमको आंसर याद करते भी आना चाहिए। हाँ आना, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, सत्याग्रह एम्फेसाइज अपॉन, दम देता है किस चीज पे, पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर सर्च ऑफ, बोलो यार, हाँ बोलो। दूसरे इसमें आपको याद करना है गांधी जी बिलीव, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव, क्या, इफ द कॉज इज ट्रू एंड इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑपरेसर। गांधी जी का साफ मानना था कि अगर कॉज सत्य हो, अगर कारण सही हो जिसके लिए तुम खड़े हो, इफ द कॉज इज ट्रू एंड इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस तो no physical force is required to fight the oppressor. Amazingly, Gandhi ji created a new idea of his own. Is it not? Please, sahab, hum bhule na. Satyagraha emphasize upon power of truth and the need for the search of truth. Ab maan lo exam mein bhul gaya apan need for the search of truth. Bhul jao. Satyagraha emphasize upon the power of truth. Arre, force equal to mass into acceleration mein se A likhna bhul gaya to answer pura galat hoga. Force equal to mass. ये कुछ होता है क्या, ऐसा होता है क्या, लेकिन सोशल साइंस का यही तो फायदा है, सत्याग्रह एम्फेसाइज अपॉन द
विपिन सर जितना थोड़ी सबको आता है यार. सत्याग्रह एम्फेसाइज अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ फुल स्टॉप. गांधी एंटर की मार के गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव क्या इफ द कॉज इज ट्रू एंड इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑप्रेसर. मैं पिछले 12 साल से जब से पढ़ा रहा हूं एक लाइन बोल रहा हूं और आपको भी बोलता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी व्यूज पता नहीं भारत ने इस चीज को कोई ऐसा बहुत ज्यादा हजारों साल से ऐसा तो नहीं था. सीता जी को रावण हर के ले गया ये तो पता है ना अपने को. राम जी ने क्या किया शरचाप धर संग्राम अजित खर दूषण वाजल्लिम मैदान जंग में इतना ज्यादा कि राम के बारे में उसके 16,95,000 साल बाद 16,95,000 ईयर्स आफ्टर लॉर्ड राम टुक बर्थ कृष्ण भगवान को भगवत गीता में बोलना पड़ा रामम शस्त्रम भृतामहम मैं शस्त्रधारियों में राम हूं राम से बड़ा शस्त्रधारी दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ. सीता जी आपको आश्चर्य होगा जब छोटी थी इतनी हाइट जब होती है तब जो शिव धनुष रखा हुआ था पिना जिसको जनक ने आपको पता है जिसके बारे में कंडीशन लगाई गई थी और जिसमें रावण और सारे दुनिया भर के राजा आए थे और उसको रत्ती भर हिला तक न सके थे. सीता जी जब बचपन में गेंद खेलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ में तो वो गेंद उसके नीचे चली गई थी तो सीता जी ने लेफ्ट हैंड से उस पिनाक को उठा लिया था शिव धनुष को गेंद निकाल के वापस रख दिया था. तो अपन प्लीज ये ना सोचें कि सीता जी को सीता देखो मेरे को गूस बम्स है. सीता जी जगत जननी आदिशक्ति भवानी है साहब. राम जी जब धनुष तोड़ने गए तब अपने रामायण में लिखा हुआ है कि सीता जी ने आखिरी क्षण पे जब राम धनुष तोड़ने ही वाले थे जब उठाने जा रहे थे सीता जी ने मनी मन में पहले सीता जी डरी हुई थी क्यों क्योंकि सीता जी को तो पता था कि कोटि जन्म लगे अगर हमारी बरहू तो राम न तो रहूं कुमारी राम के अलावा और दुनिया में मैंने संसार में किसी को इतने जन्मों से नहीं करा. तो सीता जी को लगता था ये इतने सुंदर सुकोमल राजकुमार हैं पता नहीं मतलब भगवान प्लीज हल्का करवा दो आज. समझ रहे हो ना बात को मनी मन में. अब उस समय की लड़कियां आप समझ सकते हो कितनी शर्माती होंगी कि आज ऐसा होने वाला बहुत डरी हुई क्योंकि इतने बड़े बड़े महारथियों से नहीं हिला राम जी कैसे हिला पाएंगे ये गलत कंडीशन लगा दी. लेकिन साहब रामायण में लिखा है कि जब वो क्षण आ गया जब राम जी धनुष के पास पहुंचे तब सीता जी ने पार्वती जी को वो पार्वती जी की पूजा करती थी रोज तो सीता जी ने पार्वती जी को मनी मन कहा कि बस आज के दिन ये धनुष हल्का करवा दो. किससे प्रार्थना की जा रही है पार्वती जी से. धनुष किसका है पार्वती जी के. समझ रहे हो बात को मतलब आप अपनी प्रेस्टीज कम करवा लो प्लीज आज है ना. लेकिन साहब हम उस कल्पना करें सीता जी ने अपने शास्त्र कहते हैं कि सीता जी ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली और राम जी को आप पूरा एक बार देखा क्यों शक्ति का पात किया. दोस्तों पति और पत्नी हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि जब भी गृहस्थ धर्म में ऐसी कोई समस्या भारी समस्या आ जाएगी तब पति और पत्नी दोनों मिलके उस धनुष को हाँ या ना. हम वो चीजें समझें साहब हमारे आदर्श ये हैं. सत्याग्रह एम्फेसाइज अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ. गांधी जी बिलीव दैट इफ द कॉज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑप्रेसर. फिर लोगों ने पूछा गांधी जी इफ नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑप्रेसर हाउ विल वी फाइट. तो गांधी जी ने कहा अ सत्याग्रही विंस द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. सत्याग्रही कैसे जीतता है नॉन वायलेंस. पीपल सेड गांधी जी प्लीज अंडरस्टैंड अ सत्याग्रही कुड विन द नॉन वायलेंस इज अ नेगेटिव टर्म not to violence but what to do if someone will ask question how to crack IIT JEE and if I will tell you not to smoke are you getting not to sleep a lot but not to sleep a lot I understand that is not to be done but what has to be done to crack IIT JEE. अरे तुमको समझ में आ रहा है क्या. गांधी जी ने आखिरी में कहा इन सत्याग्रह अपी कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेस्ड पर्सन appeals to the conscience of the oppressor to see the truth. In satyagrah, conscience of the oppressed person. चलो इसको ऐसे देखते हैं. मैं जमींदार हूं और आप सब लोग किसान हो. मैंने आप पे भयानक लगान लगा दिए फसलें तबाह हो गई क्योंकि पानी गिरा ही नहीं. अब यू नीड टू प्रोटेस्ट. तो गांधी जी ने इनको प्रोटेस्ट करने का तरीका सत्याग्रह बतलाया है ना. गांधी जी ने पहला क्वेश्चन पूछा इज द कॉज ट्रू. यस. Is the struggle against injustice? All the farmers. Yes, sir. है ना? तो फिर गांधी जी अगली लाइन बोली. Then don't worry. No physical force is required to fight the oppressor. फिर आपने पूछा. Then how will we fight? Don't worry. सत्याग्रही could win the battle through non-violence. Okay, but then what to do? ये आपने अगला पूछा. तो मैंने कहा आप लोग एक काम करो आप अपनी फैमिलीज को लेके चले जाओ जमींदार के घर के आगे
सब लोग खाट वाट लगा के लेट जाओ और आप वहीं पे पड़े रहो बिना खाना खाए, तो आपको दिन पे दिन बीतते चले जाएंगे, आप दुबले पतले हो जाओगे बिल्कुल। अब एक दिन जमींदार विल कम आउट ऑफ द बंगलो विद एन ऑडी, है ना, जमींदार जब उसमें से ऑडी में से बाहर आता रहेगा तब वो देखेगा अरे बाप रे बेचारे कितने दुबले हो, कितने हो, कैसी हालत हो गई यार उनके बच्चों की देखो, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ। यानी आखिरी पॉइंट जो आपको याद करना है दोस्तों, गांधी जी कहते हैं इन सत्याग्रह कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेस्ड पर्सन अपील्स टू द कंसाइंस ऑफ ऑप्रेसर टू सी द ट्रूथ रादर देन फोर्सिंग हिम टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। वी कैन ऑल्सो फोर्स हिम अदरवाइज, एंटर इन टू जमींदार बंगलो ऑन अ गुड डे विद अ राइफल इन द हैंड, है ना, चल तेरी भी जमीन हमारे नाम कर, अरे है ना। गांधी जी कहते हैं डोंट डू दैट, प्लीज अपना आंसर अभी याद करें, ये लास्ट पॉइंट था आपके क्वेश्चन आंसर का। इन सत्याग्रह कौन कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेस्ड पर्सन, ऑप्रेस्ड पर्सन अपील्स टू द कंसाइंस ऑफ ऑप्रेसर टू सी द ट्रूथ रादर देन फोर्सिंग हिम टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। इज इट डन? लोग गांधी जी को कहते थे कि गांधी जी दिस इज अ पैसिव वे ऑफ रेजिस्टेंस, you know, at the end of the day what you are doing, aap to bhooke pyaase rakhe paise baithe hue ho, this is a passive way. Gandhi ji kehte the no, agar aapko question pucha jaye yaad rakhiyega sahab 10th board puch chuka hai, is saal puche jane ki bhayanak sambhavna satyagrah ke upar hai, main aapko last mein question dunga lekin abhi bhi aap yaad rakh lena ye question aane ki sambhavna hai. What do you mean by satyagrah and why Gandhi ji emphasize it to be not to be a passive force? Kyun? Kyunki Gandhi ji kehte the apparently not, dekho main aap logo ko bata raha hu, apparently nothing seems to be happening. क्या हो रहा है, लोग ऐसे खाट पे बैठे हुए हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। गांधी जी कहते थे इट इज अपेरेंट इन फैक्ट द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेस्ड पर्सन एंड द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अरे हाँ याना, yes, समझ गया आप बात को। तो गांधी जी डिनाइड। इसके नीचे वाले पैराग्राफ पे आइए, आप थर्ड लाइन देखिए, चंपारण इन बिहार लिखा हुआ, उसको इनसर्कल इनसर्कल इट कर लीजिए, चंपारण इन बिहार को फटाफट यार, इतना टाइम नहीं है। पांचवी लाइन में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, yes, दिख गया पेज नंबर 55 पैराग्राफ नंबर सेकंड, थर्ड लाइन चंपारण इन बिहार और फिफ्थ लाइन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कुछ नहीं, एनटीएससी आपको क्वेश्चन पूछ चुका है, गांधी जी ने वेयर वाज ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इट वॉज चंपारण इन बिहार एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एक्सपेरिमेंट आई गेस यू अंडरस्टैंड, यही फार्मर्स ऑफ चंपारण, गांधी जी गेव इन द नॉलेज ऑफ सत्याग्रह कि इस तरीके से प्रोटेस्ट करो। इज इट डन? तो दोस्तों गांधी जी का ये महान सत्याग्रह का आइडिया जो है भारत ने बिल्कुल यू नो इंडिया एब्जॉर्ब्ड इट लाइक एनीथिंग। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली अहिंसा वाले देश हैं, हम समझते हैं कि हम चींटियों तक को मारने को मना करते हैं, हम रात हो जाती है पत्तियों तक को छूने तक को हमारे घर में मना किया जाता कि रात हो गई है पेड़ पौधों को हाथ मत लगाओ, तो भारत ने इसको एब्जॉर्ब किया। लेकिन एज गांधी जी केम विद द व्यू ऑफ आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ब्रिटिश अंडरस्टूड दैट समथिंग प्रोबेबली इट विल ग्रो इन टू बिग, ये कुछ बड़ा हो सकता है कल को, एंड देयरफॉर ब्रिटिश रिसेंटेड ऑन रिप्रेशन, ब्रिटिश लोगों ने रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई। आप ध्यान से देखेंगे पेज नंबर 55 रोलेट एक्ट, उसके अंदर आप सिर्फ पढ़िएगा अभी, गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट हरिडली पास्ड एन एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी से एक एक्ट ले आया, क्या? रोलेट एक्ट। देखिए आपको कुछ भी करना हो तो गवर्नमेंट को भी एक लॉ बनाना पड़ता है पहले, गवर्नमेंट को यह तय करना है कि गांधी जी के इस आंदोलन को कैसे भी क्रश करेंगे आगे जाके, तो ये बड़ा हो सकता है, तो वो तुरंत जल्दीबाजी में एक रोलेट एक्ट ले आए। अब रोलेट एक्ट आपका क्वेश्चन है, आप एक्टिविटी के नीचे क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट वाज रोलेट एक्ट, मतलब व्हाट वाज रोलेट एक्ट, लगाया निशान लिखा। अब आप देखिए लाइन नंबर 2 से लगाएंगे, दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास, सिर्फ आप लगाते जाइए निशान, 1 लिखिए, दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड अगे passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. 2. It gave the government enormous power to repress political activities. वहीं तक लिखिएगा political activities तक. 2. लिखा. 3. It gave वो लिखा हुआ है देखिए and allowed. दिखा allowed? Yes, उसको कर दीजिए it also allowed. मतलब ये आपका तीसरा point हो गया. It also allowed detention of political prisoners without trial for case. लिखिए. लगा ले निशान. Yes, तो आपको बुक में देखो, बुक में देखना पाप है. आपको जितना याद आए मेन पॉइंट 2 व्हाट वाज रोलेट एक्ट, तो आप अपने उनसे बोला रोलेट एक्ट वाज हरिडली पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इतना तो बोल सकते हो। अरे ऐसा तो नहीं लिखोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट रोलेट एक्ट वाज हरिडली पास बाय गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ऐसा लिखोगे क्या? रोलेट एक्ट
by अब मैं आपसे क्वेश्चन इन रिस्पॉन्स टू गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह आया ना तो अपनी पहली लाइन तैयार है ना तैयार है ना वो पॉइंट है जो आपको याद रखना आप पॉइंट नंबर टू लिखोगे इट गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू रिप्रेस ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज आप मेरे साथ दोहराओगे रिप्रेस देखिए मैं आपको जितने भी आंसर सोशल साइंस में लिखवाऊंगा याद कराऊंगा ना आप ध्यान देंगे ना तो हर आंसर का एक कीवर्ड रहेगा हर पॉइंट का कीवर्ड रहेगा सिर्फ कीवर्ड याद रख लो तो आपको सब याद रहेगा जैसे रिप्रेस कीवर्ड इट गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द राइट टू रिप्रेस ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज कल तक आप रैलीज डिमॉन्स्ट्रेशन धरना ये सब कर सकते थे लेकिन रोलेट एक्ट में ऐसा हो गया कि नो यू कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ रैलीज धरना प्रोटेस्ट मार्च एनीथिंग It gave the government the power to repress. Repress का मतलब आप जानते हैं दबाना. Repress all the sports activity. नहीं, all the political activity. और अगला point, last point लिखोगे. It also gave British government the power. इतना का इतना तो पहले आंसर जैसे कॉमन है. It also gave British government the power to detain a political prisoner. Detain का मतलब jail. To detain a political prisoner for 2 years without trial. और अगर वो गलत पाया गया तो इवन पुलिस पे भी एक्शन हो सकता है आप जानते हैं अब रोलेट एक्ट ने क्या किया कि आप दोस्त आप किसी को भी पकड़ लो जेल में डाल दो और 2 साल तक उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं करना है हाँ या ना ऐसा क्यों किया तो पहले तो हम ये समझ ले साहब देखिए ये इतना अंतर लाया ये जो लास्ट पॉइंट था यू आर अ यंग गाय एंड यू वांट टू जॉइन द यू नो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एकाएक आपने किसी दिन आया कि रोल अटैक पास हो गया जिसमें आपको किसी भी दिन उठा के दो साल जेल के लिए डाल दिया जाएगा 2 साल जेल में डाल देंगे अगर मैं झंडा लेके दिखा अगर मैं चरखा लेके दिखा अगर मैं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ कुछ भी नारा लगाया मेरे को 2 साल के लिए जेल डाल देंगे पहली बात तो ये फियर फैक्टर हो गया और दूसरी बात दोस्तों 2 साल में पुलिस आपसे जो चाहे वो उगला लेगी इफ द पुलिस इज अ करप्ट वन तो वो आपसे जो चाहे अब कोई करप्ट पुलिस है तुम्हारा नाम क्या बेटा आर्यन ये आर्यन को मान लो किसी ऐसी पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया लॉकअप में बंद कर दिया तो आपको क्या लग रहा है ये कल शाम को 6 बजे तक बोल देगा कि भारत में जितने बम विस्फोट हुए मैंने किए पुलिस तो अरे आप समझते हो ना क्यों बोल देगा ये प्लीज मोची की नज़र जूतों पे हम बुक में नहीं देखेंगे कॉमन सेंस पे रिलाय करेंगे मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ इस पॉइंट इस आंसर के 3 पॉइंट्स हैं पहला जनरल है 2 पॉइंट्स रिलेटेड के मेन है दूसरे वाले पॉइंट का जो कीवर्ड है वो है रिप्रेस और तीसरे वाले का डिटेन क्या है डिटेन प्लीज बुक में नहीं देखना रोलेट एक्ट वॉज हरीडली पास्ड बाय इन रिस्पॉन्स टू गांधी जी इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह दूसरा इट गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू रिप्रेस ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज आया ना तीसरा इट ऑल्सो गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर कौन सी पावर टू डिटेन किसको अ पॉलिटिकल प्रिजनर फॉर विदाउट ट्रायल इट ऑल्सो गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू डिटेन अ पॉलिटिकल प्रिजनर फॉर 2 years विदाउट ट्रायल ट्रायल भी नहीं चलेगा और 2 साल के लिए जेल के अंदर हाँ या ना बार 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 दोहराओ दोस्तों चैंपियंस की आदत रहती है कि उनका एक एक सेकंड में वो अपने लाइफ का पूरा का पूरी एनर्जी का आउटबर्स्ट कर देते हैं और जो बेवकूफ़ होते हैं जो कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जीते हैं जो असली में अपनी जिंदगी को सिर्फ इसी में वर्थ मानते हैं कि मैं कितनी देर तक 56 दुकान पर खड़ा रहता हूँ कितनी देर कांच के सामने खड़ा रहता हूँ उनकी लाइफ का कोई वर्थ नहीं है और चैंपियंस की आदत है साहब आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर जब छोटा होगा नेट प्रैक्टिस भी करता होगा ना तो वो उसी सिंसियरिटी से करता होगा जिस सिंसियरिटी से वो शोएब अख्तर गेंद टेस्ट मैच में खेलता होगा इसलिए अपनी जिंदगी का ये मूवमेंट हमको मिला है इसमें हम अपनी पूरी एनर्जी का आउटबर्स्ट करें यही हमारी इसी के लिए हमें जिंदगी मिली है उसको बचाने से क्या होगा मैं आपको सारी चीजें याद दिलाता हूं दोस्तों स्टेट द इंप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया या व्हाट वर द वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स अमंग द इंडियंस The world war created a new economic and political situation all around the world. Britain was under huge war expenditure which it had financed from the war loans, custom duties raised, income tax introduced, forced recruitment of Indian villagers into British army caused widespread anger among the Indians. Crops failed in many parts of India. At the same time, influenza epidemic broke out. All these factors put together
Ayana. Answer number one. What do you mean by Satyagraha? Why Gandhiji denied to be pacifist? Satyagraha emphasized upon the power of truth and the need for the search of truth. Gandhiji believed that if the cause is true and if the struggle is against injustice, then no physical force is required to fight the oppressor. How to fight? Satyagraha could win the battle through non-violence. Apni marji se teesra point. Weapon of a Satyagraha is non-violent. Are bolo na yaar. Satyagraha could win the battle through non-violence. Agla point. Ladna kaise Gandhiji? Fir batao to. Conscience of the oppressed person appeals to the conscience of oppressor to see the truth rather than forcing him to accept the truth. What was Rowlatt Act? Rowlatt Act was hurriedly passed, in fact, by British government in response to Gandhiji's idea of Satyagraha. Haan, hai na? Rowlatt Act gave the British government the power to repress all the political activities. It also gave the British government the power to detain a political prisoner for 2 years without trial. Haan, hai na? जब ये रोलेट एक्ट चला दोस्तों, भारतीयों ने इसका विरोध किया, और जब भारतीयों ने इसका विरोध किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसेंटेड ऑन ब्रूटल रिप्रेशन. मार्शल लॉ वॉज इम्पोज इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया. गांधी जी वॉज बार्ड कमिंग इन दिल्ली. गांधी जी का दिल्ली में आना प्रतिबंधित हो गया. देखते थे गोली मारने के आदेश हो गए. दुनिया भर के रिप्रेशन हो चुके. और जब ये सारा माहौल गर्म के अपने चरम पर था, तब वो घटना हुई दोस्तों जिसने पूरे भारत विच शोक द एंटायर नेशन, एंड दैट वॉज जलियांवाला बाग. पेज पलटेंगे दोस्तों, पेज नंबर 56 सबसे ऊपर लिखिए. शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग. शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग लिख लिया. लिखा लिख लिया हो तो वो ऑन 13th April से लेकर पूरा पैराग्राफ. लेकिन याद नहीं करना, बस निशान लगा लो. वो निशान कोई काम के नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन लगा लो. लगा लिए, अब बुक में पेन रख के बंद कर दो. जैसा बता रहा हूं वैसे याद करना, ठीक है? बुक में नहीं देखना, बुक में देखना पाप है. बंद करो बुक. मेरे साथ याद करोगे आप लोग? देखो, द वर्ल्ड इज वेरी इजी, वेरी सिंपल इफ यू लव योर वर्क, है ना? अब अपन अपने काम को प्यार न करें. अरे अगर मुझ में से ही इलेक्ट्रिक का करंट न दौड़ रहा हो तो मुझे छूने वाले में से दौड़ेगा क्या, है ना? अब तुम्हें सोशल साइंस पढ़ाया जाता कैसा, आई डोंट नो. लेकिन अगर वो इतना सुस्ती वाले में पढ़ाया जा रहा हो, आप मेरे साथ याद करें, ठीक है? पहली लाइन, और बड़े प्यार मोहब्बत से करेंगे, बिना लोड के, बिना प्रेशर के, और कॉमन सेंस है. एक आध लाइन भूल जाओ, भूल जाओ. पहली लाइन, जलियांवाला बाग वॉज अ स्मॉल पार्क सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स एरिया ऑफ अमृतसर. जैसे अभी इंदौर के बाहर राउआ हुआ है ना, जस्ट बाहर लगा हुआ आईपीएस स्कूल, आपने देखा होगा ऐसा. जलियांवाला बाग वॉज अ स्मॉल पार्क. अरे हाँ ना, सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स एरिया ऑफ अमृतसर. इज इट डन? सेकेंड पॉइंट आप बोलोगे, पीपुल वर गैदर्ड ओवर देयर टू सेलिब्रेट बैसाखी. लोग वहां इकट्ठा हुए थे बैसाखी मनाने के लिए. बट सम प्रेजेंट वर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्शल लॉ. आप फिर सुनिएगा पहले दो पॉइंट्स, और बड़े आसानी से अंदर एब्जॉर्ब करिएगा, समझिएगा बात क्या चल रही है. जलियांवाला बाग, हम देखो ब्रॉडर से हम अंदर की तरफ थीना की तरफ जाते. देखिए, जलियांवाला बाग वॉज अ स्मॉल पार्क सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स एरिया ऑफ अमृतसर. तो सबसे पहले हमने जलियांवाला बाग को डिस्क्राइब कर दिया. फिर क्या हुआ उस दिन, क्या था ऐसा? पीपुल वर गैदर्ड ओवर देयर टू सेलिब्रेट बैसाखी. लेकिन उनमें से भी कुछ, बट सम वर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्शल लॉ. मेरे दोस्तों, मेरे हमदम, मेरे हमराज, मेरे देखिए, जिस समय की बात चल रही है ना, उस समय आज तक चैनल नहीं हुआ करता था, दैनिक भास्कर नहीं था, एफएम नहीं था, कुछ भी नहीं था. इसलिए क्या आप मेरी एक बात समझ सकते हैं कि जिस जमाने में ये सब नहीं हुआ करते थे, तब अपनी बात किसी तक पहुंचाने का कोई तरीका क्या होगा? आप समझिएगा ना, कुछ भी नहीं था उस समय. तो करते लोग क्या करते थे, जैसे आज मेरे को कैटलाइजर का एड देना है, एफएम है, होर्डिंग्स है, उस समय तो कुछ भी नहीं था. अखबार इतने का, अरे पढ़े लिखे कितने थे तो अखबार कितने होते, है कि नहीं? तो फिर क्या करते थे लोग, कि जहां पर बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स हो वो जगह पता करते थे. जैसे आपके यहाँ दशहरे के समय रावण जलता है, तो ऐसी कोई जगह जहां बहुत लोग आने वाले हों, तो वहां पे पर्चे लेके पहुंच जाते थे और पर्चे बांट देते थे फटाफट फटाफट, लाउड स्पीकर पे बोल देते थोड़ा बहुत. तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि यार बैसाखी का मेला होने वाला है. जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सोचा, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सोचा, बैसाखी का मेला है, उसको यूज कर लेते हैं, है ना? जलियांवाला बाग वॉज अ स्मॉल पार्क सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स एरिया ऑफ अमृतसर. People had gathered over there, but some were to protest against martial law. अगली लाइन लिखना, being villagers, they were unaware of martial law being imposed.
people were unaware of martial law being imposed. गांव वाले थे, being villagers, they were unaware of martial law being imposed. भारत के उस समय के भारत की बात कर रहे हो दोस्तों, उस समय के 100 साल हो गए होंगे, पता नहीं कितने, उस समय का गांव भारत का कैसा रहता होगा, उनको क्या पता रहता होगा कि मार्शल लॉ लगा, मार्शल लॉ क्या होता है? जस्ट इमेजिन, क्या एक एक को जाके तो बोलते नहीं होंगे मार्शल लॉ इम्पोज, ऐसा बोलते थे क्या? ठीक है, तो बीइंग विलेजर्स दे वर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ बीइंग इम्पोज्ड. जलियांवाला बाग वाज अ स्मॉल पार्क सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स एरिया ऑफ अमृतसर. पीपल हैड गैदर्ड ओवर देयर टू सेलिब्रेट बैसाखी, बट सम प्रेजेंट वर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्शल लॉ. बीइंग विलेजर्स, पीपल वर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ बीइंग इम्पोज्ड. डन? अपने मन से अपने पॉइंट्स को हम उतारते जाएं दोस्तों. जलियांवाला बाग वाज अ स्मॉल पार्क. People were gathered to celebrate Baisakhi. Some were to protest against martial law. Being villagers, they were unaware of martial law being imposed. Then, अगर अपने को याद नहीं आया examination hall में क्या कि being villagers, they were unaware of martial law being imposed. रहने दो. अगली line, अमरीश पुरी की entry. आप जानते हो. अगली line क्या लिखोगे? General Dyer entered into the park. अब तीन verb आ रहे हैं दोस्तों. General Dyer entered into the park. Blocked exit. Ordered his troops to open fire. ध्यान दीजिए, तीन verb हैं. Entered. Order. हाँ, entered, blocked और ordered. हाँ है ना? Yes, मुकेश पारिक AIR 3, एक साल पहले का, वो जब 10th में पढ़ता था तो वो एग्जाम देके आया, और एग्जाम देके आया बोलता कि सर वो एक गलती हो गई बस. मैंने कहा क्या? बोले सर वो थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया कि जनरल डायर, सबसे पहले लिख दिया जनरल डायर, जल्दी जल्दी में था सर, बहुत कम टाइम बचा था, मैंने लिख दिया डायर ब्लॉक्ड एग्जिट, ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर, एंटर्ड इनटू द पार्क. समझ के बात का, तो अपने को बस उसको ऑर्डर नहीं लिखना है. जनरल डायर क्या लिखेंगे हम? पहला एंटर्ड इनटू द पार्क, ब्लॉक्ड एग्जिट, ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर. साहब आदमी था, खुद थोड़ी गोली चलाता था, ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर. अगली लाइन की कभी कभी मेरे को वाकई में लगता है दोस्तों कितनी इजी तो दुनिया है. अगली लाइन क्या होगी? वो कंसिक्वेंस आराम से, हंड्रेड्स ऑफ पीपल गॉट किल्ड, थाउजेंड्स इंजर्ड. दुनिया में आज तक किसी फायरिंग ऐसा बम नहीं फटा जिसमें उल्टा होता हो, thousands killed, hundred injured, ऐसा होता है क्या? तो आप क्या लिखोगे? Hundreds of people got killed, comma thousands injured. Last line, last point लिखोगे. Later Dyer remarked that it was all to produce terror among the Indians. घर जाके तीन चार दिन बाद आराम से डायर ने एक बयान दिया, ये मैंने क्यों किया? Later Dyer remarked, अपने को याद रखना है दोस्तों, 10th बोर्ड की एग्जाम देनी है तुम लोगों को. Later Dyer remarked that it was all to produce terror among Indians. I guess you understand my friends that what Dyer wanted to convey to Indians. You understand it? You are up against British. Beware. Aaya na? Dhyan rakhna, you are up against British. Bolo na yaar. Ho gaya Jallianwala Bagh? Aaya na? मैं फिर आपके सामने फिर पूरा पढ़ रहा हूँ. जलियांवाला बाग वाज अ स्मॉल पार्क सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट एरिया ऑफ अमृतसर. पीपल हैड गैदर्ड ओवर देयर टू सेलिब्रेट बैसाखी, बट सम प्रेजेंट वर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्शल लॉ. बीइंग विलेजर्स, दे वर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ बीइंग इम्पोज्ड. डायर एंटर्ड इनटू द पार्क, ब्लॉक्ड एग्जिट, ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर, हंड्रेड्स ऑफ पीपल गॉट किल्ड, थाउजेंड्स इंजर्ड. लेटर डायर रिमार्क दैट इट वाज ऑल टू प्रोड्यूस टेरर अमंग द इंडियन. क्लियर? अगला क्वेश्चन जो आपके इस साल 10th बोर्ड में आने की, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा संभावनाओं के दो क्वेश्चन इस साल, एक और आ रहा है. आप पैराग्राफ नंबर 3 देखिए, पेज नंबर 56 का, उसके साइड में लिखिए खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट. देखिए दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट हम हमारी भारतीयों की उस आदत का सबसे बढ़िया सबूत है जिसको हम एक लाइन में कहते हैं कि बेगम शादी में अब्दुल्ला दीवाना. हमारे भारतीयों की आदत है कि तुमको अगर एक केस बताया जाए, एक इंसान का चेहरा, कोई इंसान एक्टिवा चला रहा है, चलो गाड़ी की भी एक्टिवा नहीं, कोई तुमको गाड़ी का भी नाम छुपा लिया जाए, इसी गाड़ी चला रहा है, टू व्हीलर, या मान लो फोर व्हीलर, गाड़ी का नाम छुपा लिया, चेहरा छुपा लिया चलाने वाला, तुमको ऐसा एक अंधेरे कमरे बताया कि देखो टीवी एक सीन दिखाते तुमको ऐसे चला रहा है, इतनी देर में इधर से बारात निकल रही है, तो बलते की निकल रही हो किसी की, श्यामलाल मगनलाल छगनलाल किसी की निकल रही. अब उस चलाने वाले ने एकदम क्या किया, फोर व्हीलर साइड में ली, समझ गए, पार्क करिए, दरवाजे से बाहर आया, बंद किया, लॉक किया गाड़ी को, और बारात में आके नाचने लग गया, 5-10 मिनट नाचा, फिर आया अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया. अब तुमसे लाइट्स ऑन, टीवी बंद, अब तुमसे पूछा जाए इंटरव्यू में, ये बताओ कौन से देश का इंसान था जो गाड़ी में बैठा था, तो बताना ये समझिए अंकल जी हम ही लोग थे. अरे हाँ है ना,
इतना हमारे पास ही टाइम है। देखो दोस्तों, अपने को कोई लेना देना नहीं टर्की में क्या हो रहा है। अरे हमको खुद के इतनी समस्याएं, अरे हाँ है ना। लेकिन एक कहानी है, देखो दोस्तों, बिल्कुल अभी खिलाफत मूवमेंट मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान है ना। अब कैसे, तो आप पहले निशान लगाएंगे है ना, क्वेश्चन आपको व्हाट डू यू मीन, व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, और ये दुनिया भर के कुछ भी पूछते रहे, एक ही आंसर लिखना है। निशान लगाएंगे, आंसर वहां याद करेंगे क्या? अगर किसी ने भी बुक में देख के आंसर याद किया तो उसको विपिन सर क्या देंगे? लिखो, याद हो रहा है इसका मतलब? तीन और तीन छठी लाइन देखिए, सिक्स लाइन थर्ड पैराग्राफ पेज नंबर 56, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद, दिखा आपको वहां पे लिखिए वन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, वन वहां तक लगा लिया। अरे लगा इसमें क्या करना है, नहीं तो लगाना है। उसके एक दो लाइन नीचे आइए, उस पर देखिए एक लाइन नीचे और सबसे कॉर्नर में देखिए लिखा हुआ है, द ऑटोमन एम्पायर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड द खलीफा, उसको लिखिए टू। अब आप बोलेंगे इसके साथ पटा निशान है, अरे लगाओ यार, लिख लिया आपने। उसके बाद एक लाइन दो लाइन नीचे आइए, दो तीन लाइन देखिए लिखा हुआ है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दिखा वो मोहम्मद अली एंड शौकत अली अपने हैं पॉइंट नंबर थ्री, आंसर वही याद करना जो मैं बताऊंगा। उसके एक लाइन नीचे आइए, लिखा हुआ है महात्मा गांधी, नहीं नहीं उसके दो लाइन नीचे आइए, गांधी जी सौ डिसीजन अपॉर्चुनिटी, दिखा वो सौ डिसीजन अपॉर्चुनिटी से लेकर स्वराज तक आखिरी तक लगा लिया निशान। हम कौन से क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं? खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट का जो अब आप आंसर याद करोगे, इसमें आप बुक में पेन रखो और बंद कर दो, भूल जाओ बुक नाम की कोई चीज है। अरे भूल गए, आंसर से ज्यादा आता है क्या? बस थैंक यू, आई एम हैप्पी। देखिए दोस्तों, आप अब आप पहले तो आपको किस्सा कहानी तो आपको पता ही है, बता देता हूं ना पता हो तो, टर्की का जो टर्की ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत हुआ करता था। अब वो जो ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था, यानी जो वो टर्की का राजा, उसको खलीफा कहा करते थे। खलीफा इज अ डिजिग्नेशन, इज अ पोस्ट, जैसे हमारे शंकराचार्य बोलते हैं ना खलीफा, एंड ही वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के मुसलमानों का वो स्पिरिचुअल लीडर हुआ करता। इतनी बात समझ में आती है अपने को? और वो कहां का राजा था? टर्की। अब क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, कौन सी दो ताकतों में हुआ, वही पहले की कहानी, अलाइड पावर्स एंड अलाइड पावर्स में यूएस यूके टाइप के देश और इसमें जर्मनी जापान टर्की, तो असली में ये दोनों पावर लड़ रहे हैं, तो पावर नाम का कोई देश होता है क्या? तो इधर ब्रिटेन किससे लड़ रहा था, इनफैक्ट टर्की से, हाँ या ना? Yes, sir. ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया, हरा दिया तो वहां के खलीफा को उतार दिया उसकी गद्दी से, अपना पपेट खलीफा बिठा दिया जो उसके इशारों पे चले। इसके कारण मुस्लिम्स जो पूरे दुनिया के थे उनमें एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग आ गई कि हमारे खलीफा को हटा दिया। Yes, sir. तो भारत में भी एंटी ब्रिटिश फीलिंग आ गई। Yes, sir. इतनी बात समझ गए? तो ये ब्रिटेन की खिलाफत करना, टू अपोज ब्रिटेन था, इसलिए इस मूवमेंट का नाम हो गया खिलाफत मूवमेंट। क्लियर है? अब हम याद करेंगे, अब हम वापस से वही मोची की नजर जूतों पे। बस एनटीएससी में क्या पूछेंगे ये मैं आपको बता दूंगा, इसमें अगर कुछ आएगा तो। आप पहला पॉइंट लिखोगे, टर्की वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर, टर्की वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर, इतना तो याद हो जाएगा। दूसरा लिखोगे, अब देखो हमेशा आप आंसर देखो, लॉजिकल देखो, बड़े से छोटे की तरफ आया जाता है, टर्की वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर है ना, फिर रूलर पे आ जाओ उसके, द रूलर ऑफ टर्की वॉज कॉल्ड खलीफा। इसकी कुछ खास बातें क्या जो पढ़ा रहे हो? हाँ, he was the spiritual head of Muslims all over the world. है ना? तो फिर वापस से साहब, हम तो पागल हैं साहब, हम तो बार 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 आप फिजिक्स पढ़ोगे तो भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको। तो टर्की वॉज अंडर, ये मैं मेरे लिए वापस रिपीट कर रहा नहीं हूं, हाँ टर्की वॉज अंडर, द रूलर ऑफ टर्की वॉज कॉल्ड, उसकी खासियत ही वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस ये कहानी का पहला पार्ट। लेकिन साहब हिस्ट्री पढ़ते इसीलिए कि कुछ गड़बड़ हुई हो तो पढ़ते, अरे ऐसे ही चलते रहेगा क्या? ही वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही वॉज अ वेरी गुड गाय, नथिंग हैपेंड इन टर्की, इनफैक्ट है ना, द क्लाइमेट इज ऑल्सो वेरी गुड इन टर्की, ऐसा ये हिस्ट्री होगी क्या? फिर हिस्ट्री पढ़ी इसीलिए तुम पुलिस थाने को फोन कभी ऐसे लगाता है कि अपने भारत में कोई इंसान फोन लगाया 100 नंबर पे, उधर से पुलिस ने उठाया, क्या हुआ? बस साहब ये बताना था कि आज कुछ भी नहीं हुआ।
एरर फोन आता है क्या? हॉस्पिटल में कोई फोन लगाता है क्या कि सर सब मजे में यहाँ पे? नहीं। तो चौथे पॉइंट में गड़बड़ कहां से स्टार्ट हुई? ब्रिटेन डिफीटेड टर्की इन वर्ल्ड वॉर। आया ना, कितनी आसान गड़बड़ है। ब्रिटेन डिफीटेड टर्की, फिर उससे क्या हो गया? कंसिक्वेंस, ब्रिटेन डिथ्रोन द एग्जिस्टिंग खलीफा एंड अपॉइंटेड अ न्यू खलीफा इन हिज प्लेस। ब्रिटेन डिथ्रोन द एग्जिस्टिंग खलीफा एंड अपॉइंटेड अ न्यू खलीफा इन हिज प्लेस। फिर से पहले पॉइंट से देखो, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बताता हूं, कभी भी आंसर याद करो तो लॉजिकल कंसिक्वेंसेस से समझा करो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको चार नहीं आया और एकदम आपने बुक में देखा बहुत देर बाद, तो फिर पांचवे से आगे मत याद किया करो, वापस से पहले से बोलना शुरू किया करो। टर्की वॉज अंडर द रूलर ऑफ टर्की वॉज कॉल्ड खलीफा, ही वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब प्यार की बंसी है ना। फिर गड़बड़ शुरू, ब्रिटेन डिफीटेड टर्की इन द वर्ल्ड वॉर, तो उससे क्या होता है? ब्रिटेन डिथ्रोन द एग्जिस्टिंग खलीफा एंड अपॉइंटेड अ न्यू खलीफा इन हिज प्लेस। अरे हाँ है ना, कितना लॉजिकल है। आगे क्या लिखेंगे? मुस्लिमों ने मिठाई बांटी, इट कॉज्ड अ एंटी ब्रिटिश वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ है ना, इट कॉज्ड अ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द मुस्लिम्स। अब अगर यहां तक होता तो फिर आपसे क्वेश्चन, आपसे कोई पूछ लेता, भैया चैप्टर का नाम तो नेशनलिज्म इन इंडिया है, इंडिया तो आया ही नहीं। अरे हाँ, अभी तक आया क्या इंडिया? टर्की में ऐसा था वैसा था, इसने इसको हरा दिया, इसको तो अब इंडिया लाना है क्या? इन इंडिया, यू नो इंडिया ऑल्सो मुस्लिम स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। हाँ या ना, इन इंडिया मुस्लिम, यू नो इंडिया ऑल्सो मुस्लिम स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर्मिंग अ कमेटी अंडर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अरे कहीं से मोहम्मद अली शौकत अली को भी इंप्लॉयमेंट पे लगाना है ना आपको? अरे हाँ है ना, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। फिर अगला पॉइंट, गांधी जी सॉ दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल द मुस्लिम्स अंडर द यूनिफाइड अम्ब्रेला ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। गांधी जी ने इसको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। क्या? वी एज अ कांग्रेस पार्टी फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, द मुस्लिम इन्वॉल्वमेंट इज नॉट दैट मच, बट नाउ समथिंग हैपेंड इन टर्की विच प्रोबेबली विल सूट माय कॉज। हाँ है ना, तो जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, है ना। गांधी जी saw this as a golden opportunity to bring Muslims under the unified umbrella of struggle against British। और आखिरी लाइन मजे की बात दोस्तों, गांधी जी convinced the rest of the Congress leader। गांधी जी को बाकी सारे Congress leaders को मनाना पड़ा, मनाया क्या? To support खिलाफत in support of स्वराज। अरे कल तक हम क्या लड़ रहे हैं? हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो और ये और वो, और एकाएक गांधी जी ने किसी दिन सबको बुलाया, नहीं नहीं अब ये आंदोलन छोड़ो, अब अपन खिलाफत करेंगे। तो गांधी जी कन्विंस्ड द रेस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स टू सपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ, जैसे आप सब कांग्रेस लीडर्स बैठे हुए, मैं गांधी जी थोड़ी देर के लिए, वी कैन नेवर इन दिस वर्ल्ड मैच द ग्रेटनेस ऑफ दैट ग्रेट सेंट दैट ग्रेट फ्रीडम फाइटर। हर इंसान के कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव, कुछ शॉर्टकमिंग्स, कुछ स्ट्रेंथ होती है ना। इस दुनिया में अगर ऐसा ना हो तो इंसान इंसान न रह के भगवान ही बना बन जाए, है कि नहीं? मेरा एक दोस्त है, वो किसी को अपना गुरु मानता था, स्पिरिचुअल गुरु मानता था। दो साल बाद उस बहुत तारीफें करता था उसकी मेरे से, अरे तू गुरु जी के पास चलना। और ये दो साल बाद मिला तो मैंने पूछा, अब जाता है क्या वहाँ पे? अरे मतलब नहीं रे, तो अमीरों के गुरु हैं अपने। मैंने कहा तू दो साल पहले तो बहुत तारीफ करता था, अरे वो मजा नहीं है रे, वो तो बहुत, वो तो क्या करते हैं पहले उनको नंबर देते हैं जो अमीर रहते हैं, ऐसे कुछ उसने बोला। मैंने उसको ये कहा कि तू इंसान थोड़ी खोज रहा था, तू तो भगवान खोज रहा था। नहीं समझोगे तुम, छोड़ दो, नहीं नहीं मत तो रहने दो, मत उस पचड़े मत पड़ो। आप सब कांग्रेस लीडर्स हो, मैंने आप लोगों को एक अर्जेंट मीटिंग कॉल करी है ना, मैंने कहा कि आज से हमको खिलाफत को सपोर्ट करना है। अब आप समझो, इधर मिश्रा जी बैठे हुए, उधर जैन साहब बैठे हुए, कई उसमें बहुत एजेड हो गए होंगे, जिंदगी चली गई ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए, है ना। तो एकाएक किसी ने पूछा फिर उसमें से, गांधी जी ये खिलाफत को सपोर्ट करना है तो खिलाफत आया है क्या यहाँ पे? दे थॉट दैट खिलाफत इज अ चैप
whom we are supposed to support. Khilafat koi insan ka naam nahi hai. To phir inhone pucha hoga, phir kya hai ye khilafat jisko support karna hai? To Gandhi ji ne jo aaj se kitne saalon pehle kaha hoga, uski pehli line yahi rahi hogi, kya? Turkey was under Ottoman. Hi Anna. So it's a lectures reproduced. Turkey was under Ottoman Empire. The ruler of Turkey was called. इसकी खासियत क्या थी? Was a spiritual leader of Muslims all over the world. प्यार मोहब्बत की बंसी बज रही थी. गड़बड़ कहां से शुरू हुई? Britain defeated Turkey in the World War. इससे क्या हुआ? Britain dethroned the existing Khalifa and appointed a new Khalifa in its place. इससे क्या हुआ? It caused a widespread anger among the Muslims. All over the world. आया ना? इंडिया तो आया ही नहीं. इन इंडिया मुस्लिम स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली एंड गांधी जी सॉ दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल द मुस्लिम्स अंडर द यूनिफाइड अम्ब्रेला ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इज इट नॉट एंड द लास्ट पॉइंट ही कन्विंस द रेस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स टू सपोर्ट खिलाफत इन सपोर्ट ऑफ स्वराज डन ये हो गया खिलाफत